Look like she's changing the color. वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम लेके आई हूँ. हम हम बोल हम वॉक 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 मैम बेबी चले शाली और टर्न चले लाइन हम अस्सलामुअलैकुम. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग. तो आज है सैटरडे, सुबह के 10 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट रेडी है, बच्चे दोनों अभी तक सो रहे हैं और रमीज़ अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी हो गए हैं. तो रमीज़ ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी जॉब पर चले जाएँगे. यहाँ पर ब्रेकफास्ट में है अंडे की भुर्जी और ब्रेड और मिक्स फ्रूट. तो इस टाइम पर रमीज़ चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट करते हैं. सुबह में रमीज़ ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी जॉब पर चले गए थे और मैं वापस से सो गई थी. तो जब बच्चे उठे हैं 1 बजे तब मैं इनके साथ उठी हूँ. तो अभी यहाँ पे हमारा सेकंड ब्रेकफास्ट चल रहा है. इस टाइम पे मैंने चाय बना ली है. सुबह में मैंने चाय नहीं पी थी, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके मैं सो गई थी. जब से गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो रमीज़ बोलते हैं कि मुझे सुबह में चाय मत दिया करो, सिर्फ रो अफ़ज़ा विद मिल्क दे दिया करो. रमीज़ को आज टाइम मिल गया था तो इसलिए वो लंच करने आ गए थे. तो उनको मैंने बैगन का भरता रोटी के साथ दे दिया था तो वो उन्होंने खा लिया था. No, they're not removing the tree. Tree is still there. No, the tree is fine. They're just cleaning the mess. Now the tree won't grow anymore. It's all broken. Class is gone. Yeah. अभी इनको मैं पार्क लेके जा रही हूँ. अभी 5:15 बजे सतवा पार्क लेके जा रही हूँ. अभी देखो कितने मुझे पहुँचते हैं. लोग इतनी स्लो स्लो चलेंगे और हम भी लकड़ी करेगी. स्ट्रॉलर तो है नहीं, हमने बैग पहना हुआ है अपना, उसके अंदर पानी और चिप्स है. It's a chili plant. Look at this, a small, small chili. It's spicy, Ilham. Don't touch, don't touch. Spicy. Mommy, I want to put. So beautiful flowers, huh? Tell. Come. Give me hand. यहाँ बहुत दिनों से पीछे लगी कि प्लेग्राउंड जाना है. प्लेग्राउंड और रमेश दिन में आते थे, रमेश को 8 बजे के बाद ही आते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं इनको ले जाती हूँ, थोड़ा बहुत खेल लेंगे और फिर रमेश पार्क में आके हमको पिकअप कर लेंगे रात में. जब तक कि इनके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे खेल लेंगे. गिव बनाना टू इल्हाम. शी सेड आई वांट बनाना. बाहर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है, ऑलरेडी टेम्परेचर 40 to 45 पहुंच गया है और हम लोग भी इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, हमें भी इतनी गर्मी लग रही है, पूरे पसीने से हम लोग भीग गए. और बच्चों ने जैसे ही आइसक्रीम की शॉप देखी तो पीछे पड़ गए. तो फिर मैंने इनको आइसक्रीम दिलाई और पार्क के लिए मैंने कुछ स्नैक्स भी लेना थे तो आगे ही सुपरमार्केट थी तो वहां से मैंने इनके लिए लेमन और जूस ले लिए थे.
पानी और चिप्स तो मैं घर से ले आई थी। तो यहाँ से जब भी आप दियाफा रोड से जाएंगे तो यहाँ पे जो फिलिपिनो लड़कियाँ खड़ी होती हैं वो हाथ में पैम्पलेट लेके खड़ी होती हैं, तो जो भी कोई जा रहा होता है उसके हाथ में थमा देती हैं। तो इसके अंदर सलून के ऑफर वगैरह होते हैं, तो ये अच्छे होते हैं, रीजनेबल है पैकेज, अगर आपको ट्राई करना आप कर सकते हैं। जो भी सलून होते हैं वो आस पास में ही होते हैं। तो फाइनली आफ्टर वॉकिंग 40 मिनट हम लोग पार्क पहुंच गए, और इल्हाम ने रास्ते में दो तीन बार मुझे बोला गोद में लेने के लिए, लेकिन मैंने उसको बोला बस अभी हम पार्क जा रहे हैं, कभी उसको आइसक्रीम का बोल के, कभी उसको सुपरमार्केट का बोल के ऐसे ही चलाते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको आज मुझे गोद में नहीं लेना पड़ा, पूरा रास्ता वो पैदल चल के आइए। तो ये है सतवा पार्क, और ये शुरुआत में इसके बास्केटबॉल स्टेडियम में इन्होंने बनाया है। यहाँ पे ज़्यादातर फिलिपिनोज़ के मैचेस वगैरह होते हैं। जब विशाल छोटी थी तो मैं उसको यहाँ पे लाती थी, और उसके यहाँ पे कई फिलिपिनो फ्रेंड्स बन गई थी, तो उसके साथ में वो भी अंदर बास्केटबॉल में जाती थी, वहाँ पर खेलती थी बॉल्स वगैरह के साथ में। ये पार्क चेल्सी प्लाजा होटल के पास और सतवा राउंडबाउट के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में बस स्टॉप भी मिलेगा, ये सतवा राउंडबाउट का बस स्टॉप है। और ये जो पार्क है मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉगिंग करने आते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं। और जो बच्चों का प्लेग्राउंड है छोटा सा है, लेकिन इसमें चार स्विंग है, एक स्लाइड है और दो प्लेग्राउंड है, एक यहाँ पे शुरू में और एक लास्ट में। तो कभी जब यहाँ पर रश होता है तो हम लोग लास्ट में चले जाते हैं, या तो बच्चे थोड़ी देर इधर खेलते हैं फिर थोड़ी देर लास्ट में खेल लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, फिलिपिनोज़ वगैरह, और इंडियन पाकिस्तानी बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एरिया है सतवा, यहाँ पे आपको फिलिपिनो ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे दिख रहे होंगे आपको फिलिपिनो के ही दिखेंगे। इल्हाम तो आते के साथ स्विंग पे बैठ गई थी, और इल्हाम के बाजू में जो स्विंग था उसके पास ये दो हनी बीज अपने काम में लगी हुई थी, तो सारे बच्चे इनको देख देख के डर रहे थे, और इस वाले स्विंग पे कोई भी नहीं बैठ रहा था। चलो शाली होटल, चलो इल्हाम सिट डाउन। इल्हाम यू कम आल्सो। Bella, your turn. Sit down. Why are you scared, Ilham? Slide पे आना भूल जाती है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, भूल जाती है। आठ बज गए थे, लेकिन बच्चों का दिल अभी भी नहीं था कि घर पे जाएं। इनको मैं कितनी बार बोल रही थी कि चलो चलते हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं नहीं, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करते रहे। फिर हम इसका कॉल आ गया, वो बोलते हैं कि शाहिद भाई आ गए हैं, तो तुम लोग रेडी हो, मैं आ रहा हूँ। तो बस पहले मैं बच्चों को वॉशरूम लेके गई। ये चेल्सी प्लाजा होटल है, इसके अंदर वॉशरूम है, तो आप कोई भी होटल में वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जाना है। अगर आप कहीं बाहर हो और आपके आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, तो आप कोई भी रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट या फिर होटल का वॉशरूम आप यूज कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो जैसे ही हम लोग होटल से बाहर निकले, शाहिद भाई और अमीज आ चुके थे, तो बस हम सबको अभी बहुत जोर की भूख लगी है और बच्चे बेचारे खेल खेल के थक चुके हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं अबू हेल देरा में, जहाँ हम कल गए थे, तो डिनर भी आज हम लोग वहाँ से ही करेंगे। हम लोग जब भी बाहर खाना खाते हैं, हमारे साथ कोई ना कोई हमारा फैमिली मेम्बर होता है, या मेरा भाई होता है, या हम इसके कजिन होते हैं, या फिर हम इसके क्लोज फ्रेंड होते हैं। और हम जो भी कोई रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं वो बजट फ्रेंडली होते हैं, उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और मतलब एक प्लेट की जो प्राइस होती है वो 20 दिरहम मैक्सिमम होती है, और जो भी बिल होता है हम आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमेशा हम लोग बाहर खाना खाते हैं तो मतलब हमारे पास बहुत पैसे हैं, फजूल खर्ची करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जितने में आप बाहर खाते हो उतने में ही आपको घर का भी पड़ जाता है। अगर से आप गोश्त लाओगे तो 20-25 दिरहम का गोश्त मिलेगा 1 किलो, और फिर उसमें मसाले ऑयल वगैरह डाल के वो उतनी की बात पड़ जाती है। तो बाहर भी अगर हम तीनों लोग बाहर खाना खाते हैं तो हमारा 50-60 दिरहम का ही बिल बनता है, उससे ज़्यादा का नहीं बनता। तो आज हम लोग फिर खैर दरबार रेस्टोरेंट में आ गए हैं, ये है अबू हेल देरा में और यूनाइटेड हाइपर मार्केट के पीछे वाली साइड में। और यहाँ पे जो कबाब मिलते हैं, बीफ कबाब, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने ट्राई किए थे, और फिर हमने सोचा कि शाहिद भाई को भी आज यहाँ से ट्राई कराते हैं, लेकिन शाहिद भाई के नसीब में नहीं थे, वो ख़त्म हो चुके थे इस टाइम तक। तो सीख कबाब की जगह हमने ऑर्डर किया था चपली कबाब और चिकन मलाई बोटी, मटन हांडी, रोटी, सैलड और खीर। अगर आप लोग भी यहाँ पे कभी आएँ तो इनकी खीर और बीफ सीख कबाब ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बाकी जो भी डिशेस हमने अभी तक ट्राई करी हैं हमें मतलब इतनी खास नहीं लगी, वो नॉर्मल थी, लेकिन ये दोनों जो चीज़ें थी बेस्ट थी। तो यहाँ पे हमने डिनर कर लिया था, और डिनर करने के बाद मुझे चाहिए थी गर्मा गर्म जलेबी, तो यहाँ से मैंने 5 दिरहम की जलेबी भी ले ली थी, ये भी बहुत अच्छी थी। तो बस डिनर करने के बाद हमने पहले शाहिद भाई को ड्रॉप किया, उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ चले गए। ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।